नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, टहलने पर ध्यान देते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान आपको सोने जगने का, बैठने उठने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आप कैसे सोते हैं यह आपके बच्चे के विकास पर असर डालता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको किस तरीके से नहीं सोना चाहिए, सोने का सही तरीका क्या है जिससे कि आपके बेबी का विकास अच्छा हो और आपके बच्चे को कोई परेशानी भी ना हो या फिर आपको कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए आपको कैसे सोना चाहिए और कैसे नहीं सोना चाहिए इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान सोते समय नहीं करना है वो है पेट के बल सोना। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पेट के बल सोना बहुत पसंद आता है, लेकिन आप प्रेगनेंसी के दौरान भूल कर भी पेट के बल ना सोएं, क्योंकि पेट के बल सोने से आपके बच्चे के विकास में दिक्कत आती है, आपका बच्चा दब सकता है, आपके बच्चे को चोट लग सकती है और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान पेट के बल सोने की बहुत ज़्यादा इच्छा है तो आप प्रेगनेंसी के 3 महीने तक पेट के बल कभी कभी सो सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका बच्चा छोटा होता है। लेकिन जब आपका 4वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आप भूल कर भी पेट के बल ना सोएं। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक ही पोजिशन में लंबे समय तक नहीं सोना चाहिए, पोजिशन चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही पोजीशन में सोने से आपके बच्चे को भी परेशानी होती है और आपको भी परेशानी होती है और इसके अलावा और भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी दौरान जब भी आप सो रहे हैं अपना पोजीशन चेंज करते रहिए। इसके अलावा गर्भवती महिला को पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भवती महिला के गर्भाशय का पूरा भार महिला के रीढ़ की हड्डी पर यानी कि कमर पर होता है और जिसकी वजह से कमर दर्द और पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। और आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमर दर्द की या फिर पेट दर्द की समस्या रहती है, वो गलत तरीके से सोने की वजह से भी हो सकता है। और दोस्तों, जब महिला पेट के बल सोती है तो ऐसे में महिला के शरीर में अच्छे से ब्लड फ्लो भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कि महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कब्ज की समस्या ज़्यादा हो जाती है, इसके अलावा पैरों में सूजन की समस्या भी ज़्यादा हो जाती है। बाकी दोस्तों, बच्चे की बात करें तो पीठ के बल सोने से आगे बच्चे के ग्रोथ पे असर पड़ता है, आपका बच्चा ठीक से घूम नहीं पाता है, इसके अलावा आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है। इसलिए पीठ के बल बिल्कुल ना सोएं। कभी कभी आप थोड़ी देर के लिए पीठ के बल लेटना चाहती हैं तो लेट सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादातर आप करवट से सोएं। और सबसे अच्छा करवट होता है बाईं करवट, क्योंकि बाईं करवट सोने से आपके शरीर में और आपके बच्चे के शरीर में अच्छे से ब्लड का फ्लो होता है, जिसकी वजह से कि आपके बच्चे का विकास अच्छा होता है, आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से घूमता है यानी कि बहुत ही अच्छे से हलचल कर पाता है। और जब आप बाईं करवट सोती है तो आपके प्लेसेंटा के माध्यम से आपके बच्चे के शरीर में रक्त का संचार अच्छे से होता है, आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन मिलता है, इसके अलावा आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा हैप्पी महसूस करता है। और दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल करता है तो आप अपने हाथों से अपने पेट को सहलाते हो, तो इससे आपका और आपके बच्चे का बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छा बनता है। तो बाईं करवट सोना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन आप दाईं करवट भी सो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल बाईं करवट ही सोना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अपना पोजीशन बार बार चेंज करना है। तो अगर आप दाईं करवट सो रही हैं तो कुछ समय के बाद बाईं करवट सोइए और कुछ समय के बाद दाईं करवट सोइए, एक ही पोजीशन में लंबे समय तक नहीं रहना है, चाहे वो बायां करवट ही क्यों ना हो, लेकिन ज़्यादातर बाईं करवट ही सोइए। इसके अलावा दोस्तों, सोते समय आपको कुछ बातों का ध्यान और रखना चाहिए, जैसे कि आपको ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के नहीं सोना चाहिए, चाहे सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो। आप चाहें तो ब्रा और पैंटी को उतार के भी सो सकती हैं, क्योंकि टाइट कपड़े पहनेंगे तो इससे आपका पेट दबेगा और आपके पेट में अकड़न आएगी, आपके बच्चे को भी आराम महसूस नहीं होगा, आपका बच्चा और आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगी, मतलब कि असहज महसूस करोगे, तो आपका बच्चा भी अनहैप्पी रहेगा, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी टाइट कपड़े पहनने से। इसलिए ढीले ढाले सूती के कपड़े पहनिए और आराम से सोइए।